गुड मॉर्निंग बच्चों, आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शुरू करेंगे। और जैसे कि नाम से ही पता चलता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी जिसमें एक्सक्लेमेशन होता है। इन सेंटेंस बाकी सेंटेंस से ये सेंटेंस इसलिए अलग होते हैं क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। और ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग किससे पता चलती है? हमारे इंटरजेक्शन वर्ड से या एक्सक्लेमेशन वर्ड से। जैसे अगर हम सिंपल से किसी को ये कहें, यू आर ब्यूटिफुल, तो ये सिंपल हो गया। लेकिन अगर हम ये कहें, वाओ हाउ ब्यूटिफुल यू आर, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। पहले और दूसरे सेंटेंस का अंतर आप देख सकते हो। यहाँ पर हमारी फीलिंग सिंपल है और यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा वाह हाउ ब्यूटीफुल यू आर। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, जिसमें हमारी फीलिंग्स ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की पहचान होती है, एक तो ये एक्सक्लेमेशन या इंटरजेक्शन मार्क होता है उनके अंदर, और दूसरा उसमें कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज़ होते हैं। जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, हुर्रे वाओ हा आहा, ये वर्ड्स दिखाते हैं जॉय को, खुशी को, हैप्पीनेस को। एलास आहा, ये दिखाते हैं सोरो या ग्रीफ यानी दुख में यूज़ होते हैं। वाट हाउ गुड गॉड गुड हेवंस या ओ माई गॉड जैसे वर्ड हम यूज़ करते हैं सरप्राइज के लिए, वंडर के लिए, और कभी कभी रिग्रेट के लिए भी। रिग्रेट समझते हो ना, पछतावा, जब हम अपने किसी काम पर पछताएं या हमें बाद में बहुत ज़्यादा फील हो कि ये काम नहीं करना चाहिए था, तब उसे रिग्रेट करना बोलते हैं, पछताना। पू नॉनसेंस, ये कंटेम्प्ट या हेट्रेड घृणा को दिखाते हैं। और ब्रेवो वर्ड यूज़ किया जाता है शाबाशी देने के लिए। तो बच्चों अब बनाना सीखते हैं कैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। उससे पहले एक बार ये समझ लो कि जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तब हमें उन्हें सिंपल सेंटेंस यानी स्टेटमेंट में चेंज करना भी आना चाहिए। तो देखो कैसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे सेंटेंस चेंज करने हो, लेकिन जो सेंटेंस स्पेशली व्हाट और हाउ से बनते हैं, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट में चेंज करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट कहाँ आ रहा है? इट इज़ पर। तो सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट में चेंज करने पर ये हो जाएगा हमारा, इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, और यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में इंटरजेक्शन मार्क है। तो वो सारे सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी हैं तो वो हमें स्टेटमेंट में चेंज करने होंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सेड या सेड टू की जगह हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेम्ड विद, और विद के साथ जो हमारी प्लस हो जाता है मूड ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस का जो मूड है, मूड नहीं लिखेंगे वहाँ पर, वहाँ पर हम उसकी फीलिंग लिखेंगे। जैसे अगर हमारे पास हुर्रे वाओ हा जैसे वर्ड आ रहे हैं तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और अगर हमारे पास अलास आ जैसे वर्ड आ रहे हैं तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, और अगर वाट हाउ गुड हेवन जैसे वर्ड हैं एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज। इसी तरह से जैसे वर्ड आते जाते हैं हम उसी के अनुसार यहाँ पर लगाते हैं। जैसे एक सेंटेंस करके देखते हैं। और बच्चों इसमें जो बाकी के रूल होते हैं, जो टेंस चेंज करना होता है या प्रोनाउन चेंज करना होता है या जो स्पेशल वर्ड होते हैं जैसे टुडे यस्टरडे, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो हमारे सारे जो फर्स्ट रूल था हमारा, यानी जो हमारे सिंपल सेंटेंस थे या इंटरोगेटिव सेंटेंस थे उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा ये चलता है। तो
टेंस वही प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बैक शिफ्टिंग वाला रूल चलेगा, प्रोनाउन के लिए वही SON वाला रूल चलता है, और स्पेशल वर्ड टुडे, दैट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, इस तरह से वही सारा चलता है। बस जो यहाँ पर चेंज होता है वो होता है एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ये हमारा चेंज हो जाता है। और साथ ही बच्चों इसमें जो एक्सक्लेमेशन के वर्ड्स होते हैं, ये जितने भी वर्ड्स आते हैं इन सब को हम हटा देते हैं जब उनकी जगह हम जॉय, सोरो, इस तरह के वर्ड्स लगा लेते हैं। और साथ ही जो यहाँ पर कनेक्टर होता है वो दैट आता है। एक सेंटेंस करके देखते हैं। ही सैड हुर्रे आई हैव गॉट ए जॉब। तो यहाँ पर हुर्रे वर्ड आ रहा है, यानी ये खुशी की बात है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब बच्चों देखो इसमें इंटरजेक्शन मार्क कहाँ है, हुर्रे के बाद, बाकी ये वाला सेंटेंस सिंपल है। तो इस सेंटेंस को हम चेंज नहीं करेंगे, हमारा हुर्रे यहाँ पर आ गया जिसके लिए हमने एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखा, और उसके बाद दैट लगाकर इस सेंटेंस को हम, जैसे हम सिंपल सेंटेंस चेंज करते हैं, आई हैव गॉट ए जॉब, तो हैव हैड में चेंज हो जाएगा, आई ही के अनुसार ही में चेंज हो जाएगा, दैट ही हैड गॉट ए जॉब, ठीक है। एक और सेंटेंस देखो, द ओल्ड मैन सेड अलास आई एम अनडन। तो अलास आ रहा है जो कि दुख के लिए आता है। तो ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो या ग्रीफ, दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं, दैट आई है ओल्ड मैन के हिसाब से ये ही में चेंज होना है, और इज या आर या एम को हम चेंज करते हैं पास्ट के वाजियावर में, तो यहाँ पर आई के साथ एम है तो यहाँ ही के साथ वॉज हो जाएगा, अंडन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ भी इंटरजेक्शन मार्क एलास के बाद था, बाकी सेंटेंस सिंपल था, तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो आ गया एलास के लिए, और यहाँ पर सेंटेंस जैसा था वो पास्ट में चेंज होकर वैसा ही रहा। देखो बच्चों थर्ड सेंटेंस, रीना सैड वाट एन अमेजिंग बिल्डिंग द ताज इज। तो यहाँ पर वाट आ रहा है जो कि वंडर के लिए, सरप्राइज के लिए आता है ज़्यादातर। तो रीना एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब ये सेंटेंस हमारा इंटरजेक्शन मार्क पहले दो सेंटेंस की तरह यहाँ पर शुरू में नहीं है, सेंटेंस के बाद में है, यानी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसे हमें स्टेटमेंट में चेंज करना होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर सब्जेक्ट बाद में है, तो हम द ताज इसकी जगह वॉज हो जाएगा, वाट और वाट को हम हटा देते हैं, वाट और हाउ जो वर्ड होते हैं इन्हें हटा देते हैं, और इनकी जगह हम वेरी या ग्रेट वर्ड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं इनकी जगह, वेरी या ग्रेट। द ताज वाज ए वेरी अमेजिंग बिल्डिंग। तो देखो यहाँ पर एन आ रहा था क्योंकि उसके बाद अमेजिंग अमेजिंग है, लेकिन यहाँ पर ए आया है क्योंकि उसके बाद वेरी है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। द सेंट सैड वाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये एक बहुत फेमस कहावत है। तो यहाँ पर वाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये सेंटेंस द सेंट एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज कुछ भी लिख सकते हैं, दैट। तो सब्जेक्ट कहाँ है यहाँ पर, मैन, और इसे हम वाज में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट मैन इज ए ग्रेट पीस ऑफ वर्क।
तो बच्चों इन दोनों सेंटेंस से हम देखते हैं कि अगर हमारा एडजेक्टिव आता है तब हम क्या लगाते हैं, वेरी, और अगर नाउन आता है तब हम लगाते हैं ग्रेट। जैसे अमेजिंग एडजेक्टिव है तो हमने वेरी लगाया, और पीस ऑफ वर्क नाउन है तो हमने यहाँ पर ग्रेट लगाया। तो ये दो तरीके होते हैं जहाँ पर हम वंडर वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को स्टेटमेंट में चेंज करते हैं, हाउ और व्हाट हटाकर। राजन सेड हाउ फुलिश आई हैव बीन, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। तो यहाँ पर राजन एक्सक्लेम्ड, अगर हम चाहें यहाँ पर तो विद रिग्रेट लिख सकते हैं, क्योंकि अपने आप को कोई अगर मूर्ख कह रहा है तो निश्चित रूप से उसे अपनी मूर्खता पर पछतावा हो रहा है। या फिर यहाँ पर हम सिर्फ राजन एक्सक्लेम्ड, या अगर हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये फीलिंग क्या है तो हम विद वाला पार्ट जो है वो छोड़ सकते हैं, सिर्फ एक्सक्लेम्ड लिखकर हम अपना सेंटेंस दैट के साथ आगे बना सकते हैं। तो राजन एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट, हाउ फुलिश आई हैव बीन सिंपल सेंटेंस में चेंज होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आई हैव बीन वेरी फुलिश आएगा, तो आई को हम राजन के अनुसार ही में चेंज करेंगे, हैव का हेड हो जाएगा बीन वेरी फुलिश। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस थोड़े से मुश्किल हैं बनाने, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद वाला पार्ट मैं आपको मंडे को कराऊंगी।